हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी, ठीक है। तो हमारे फिजिक्स के वीडियोस जो हैं वो डेली अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देखें और अपने चैप्टर्स या फिजिक्स में जो भी पार्ट है उसको, जो समझ में ना आ रहा हो उसको अच्छे से रिपीट करके देखें, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने समझा था कि इमेज वो किस तरह से बनाते हैं। तो उस लेक्चर में हमने आपसे ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर अलग अलग पोजिशन पर रखेंगे, अगर अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस बात को हमने डिस्कस किया था। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर और उसकी पोजीशन बताई थी हमने, ठीक है। तो इस मिरर फॉर्मूले को यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की डिस्टेंस और जो मिरर होगा उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको, ये फॉर्मूला जो होगा वो दोनों ही, या तो कॉनकेव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर, दोनों ही मिरर्स पे ही अप्लीकेबल होगा। 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग उस इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कहाँ से, मिरर से, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको डेराइव करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेटिव चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी होता है। रिलेटिव चीज़ का मतलब क्या हो गया कि जो फोकल लेंथ होगी वो भी एक डिस्टेंस होगी, और जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दूरी होगी मिरर की वो भी एक डिस्टेंस होगी, और इमेज की भी दूरी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है, एक रिलेटिव टर्म्स हैं, इसलिए हमको साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी होगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों हम साइन कन्वेंशन लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड या तो तीनों ही टर्म्स जो इसमें लिखे हुए हैं वो एक रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स मतलब ये तीनों ही एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी है, ठीक है, समझना ज़रूरी है। तो आप लोग आज के लेक्चर के लिए हेडिंग लगा लें मिरर्स फॉर्मूला, फिर उसके बाद पहले हम लोग साइन कन्वेंशन समझेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि हम दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए फॉर्मूला डेराइव करें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग प्रयास करिएगा, मैं यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर से प्रूफ करवा दूंगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे तो हम वो भी डेरिवेशन करवा देंगे, ठीक है। तो आज के हेडिंग के लिए लगाइए मिरर्स फॉर्मूला और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट हो गया। तो पहले साइन कन्वेंशन समझते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए साइन कन्वेंशन। सबको इसमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम रहती है कि किसको हम पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें, किस साइड को। तो आज से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सभी मिरर के पोल से मेजर होंगी। तो पहला यहाँ पे नोट पॉइंट लिखे क्या, All the distances are measured from the pole of the mirror, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होगी वो इस मिरर के पोल से ही मेजर होगी। जैसे हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है तो ये डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ, ये होगी फोकल लेंथ, ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से ही सभी डिस्टेंसेज मेजर की जानी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो समझ में आ गया होगा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल द मेजरमेंट, ऑल द मेजरमेंट विच आर टेकन, ऑल द मेजरमेंट विच आर टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, इज टेकन पॉजिटिव व्हाइल डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज निगेटिव, ऑल द मेजरमेंट विच आर टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी मेजरमेंट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे उसको निगेटिव लेंगे। ये दो साइन कन्वेंशन आप लोग याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट तीसरा साइन कन्वेंशन होगा जो कि है हमारा, कि जिधर इंसिडेंट रे जाएगी, जिस साइड से, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है, और बाकी जितना उसके अपोजिट हो उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। बस इतने तीन कन्वेंशन अगर आप लोग नोट कर लिए तो ऑप्टिक्स खत्म। आई बात समझ में? अगर ये तीन साइन कन्वेंशन आपने समझ लिया तो ऑप्टिक्स खत्म, ऑप्टिक्स में और कुछ नहीं है। यही चीज़ें हमको लेंस में भी अप्लाई होंगी। और अभी तक आप लोगों को हमने बता दिया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पहला पॉइंट तो आप लोगों ने नोट कर लिया, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल। और सेकेंड है, ऑल द मेजरमेंट विच आर टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात? ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो वो होगा नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। थर्ड पॉइंट नोट करें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट इज टेकन एज निगेटिव। आई बात समझ में? यानी जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे का होगा उसे हमें पॉजिटिव लेना है, और जो भी मेजरमेंट हम उसके अगेंस्ट अपोजिट में मेजरमेंट करेंगे उसको हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। बस यही तीन साइन कन्वेंशन है, अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो ऑप्टिक्स यानी साइन कन्वेंशन में तो कहीं प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन, द ऑल द मेजरमेंट विच आर टेकन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द डिस्टेंसेज विच आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज अ पॉजिटिव व्हाइल डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज अ नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे,
जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज द पॉजिटिव व्हाइल अपोजिट टू इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये तीन साइन कन्वेंशन हमारे पास हैं जो कि हमें ऑप्टिक्स में यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग अपने मेन टॉपिक जो कि है हमारा आज का लेक्चर का वो है मिरर्स फार्मूला, तो उसको हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट में, फिर उसके बाद हम लोग डेराइव करते हैं क्या मिरर्स फार्मूला, जो कि क्या है 1/F = 1/V + 1/U। अब हर एक टर्म का मतलब समझेंगे हम लोग और डेराइव करेंगे फार्मूला। ठीक है, तो नोट कर लिए, नोट हो गया, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है। यहां हो गया मिरर्स फॉर्मूला, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में भी बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है ये मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो ये जो आज का लेक्चर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इसका दूसरा तरीका भी प्रूफ करने का बता देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर वैसे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, तो मिरर्स फार्मूला क्या होता है अब तो याद हो गया होगा, 1/F = 1/U + 1/V। 1/F = 1/U + 1/V। ठीक है, तो F क्या है, F है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये मिरर का जो है वो फोकल लेंथ है, आई बात समझ में। F को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, अब U क्या है, U है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। नाउ नेक्स्ट वी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है 1/F = 1/U + 1/V, ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर पे एप्लीकेबल होगा, या तो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों पे ही ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले कॉनकेव मिरर से डेराइव करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको आवश्यकता हो, ना समझ में आया हो, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि हमें ये लेक्चर बनाना है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेराइव करते हैं, आप लोगों को हर एक बात की मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एफ का मतलब फोकल लेंथ, यू का मतलब ऑब्जेक्ट से दूरी जो मिरर की है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी जो होता है, वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज, जो कि पोल से मेजर करते हैं कहां तक। आई बात समझ में, नोट कर लिए, अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन हम लोग शुरू करते हैं। डेरिवेशन मान लेते हैं हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, क्या है ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, आई बात समझ में, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारा पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और
इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पे भी पोजीशन पे रख के ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो मैं एक पोजीशन पे आपको डिराइव करके बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अगर करना चाहें तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी पोजीशन पे आप अगर इमेज को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज बना के आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया है ऑब्जेक्ट को। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम दो रेज चाहिए होती है। कितनी रेज? दो रेज चाहिए होती है, कम से कम दो रेज, ठीक है। तो मैं एक रे ले जाता हूँ यहाँ से पैरेलल, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए और ये है बी। आई बात समझ में? तो यहाँ से एक पैरेलल रे गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ से पास होती हैं? वो पास होती हैं फोकस से। इस रे डायग्राम में मैंने आपसे कई बार बता दिया है कि इस रे डायग्राम में एरो को रिप्रेजेंट करना बहुत ही जरूरी है। आई बात समझ में? अब मैं दूसरी रे ले जाता हूं कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी दूसरी रे ले जाते हैं हम लोग कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं, दूसरी रे ले जाते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वही होगा हमारा क्या, वही होगा हमारा इमेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है। ए बी से एक रे मैं ले गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे जो होती है वो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। और मैं दूसरी रे ले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज अनडेविएटेड यानी अपने ही पाथ में, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है, ठीक है। तो पहले कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बोर्ड में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डेरिवेशन करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे आप? लेट एमएम डैश इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिससे उसमें दिया रहेगा बी द मिरर एंड ए बी बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। एंड द इंसिडेंट रे ए ओ, द इंसिडेंट रे ए ओ कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकस से पास होगी। एंड द अनदर रे विच इज कॉल्ड एज ए सी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिटर्न बैक टू इट्स पाथ अनडेविएटेड, ठीक है, वो अपने पाथ में वापस चली जाती है विदाउट अनडेविएशन के, ठीक है। एंड द दीज टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड द इमेज फॉर्मेशन एट अ पॉइंट बी ए बी डैश इज फॉर्म, ठीक है, ये हमारा इमेज बन जाएगा। आई बात समझ में? इतना अब हमें इतनी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना चीज लिखने के बाद हमको देखना पड़ेगा इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी बी डैश ए डैश। आई बात समझ में? ये दो ट्राइंगल्स यहाँ पे मैं साइड में बना दे रहा हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से ये ले गया मैं यहाँ पे। आई बात समझ में? ये हमारा बी ए सी एंड बी डैश ए। आई बात समझ में? इस ट्राइंगल को आप लोग देखिए, ये वहां पे मैंने बाहर भी निकाल दिया इसको,
काट के यहाँ से निकाल दिए ना वहां पे। अब बात समझ में आ रही होगी, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी बी डैश ए डैश, सी बी डैश एंड ए डैश में अगर हम लोग देखें तो एंगल 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 कौन सा, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी डैश टाइम्स ऑफ ए डैश विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, होगा कि नहीं। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है वो परपेंडिकुलर रखा है, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश सी ए डैश इज इक्वल टू इक्वल एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर किसी दो ट्राइंगल्स की दो साइड या दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल आता है। मैंने क्या बोला, आई बात समझ में। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स का अगर कोई दो एंगल या साइड बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, इक्वल आता है। अब यही प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज करना है। इतनी बात आई समझ में, ट्राइंगल ए बी सी। और अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सिंस देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डैश ए डैश के सिमिलर होगा। यहां पर लिख दीजिए सिमिलर ट्राइंगल्स, आई बात समझ में। ये भी सिमिलरिटी की ही साइन है, ठीक है। ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के बराबर, और बेस यहां पे क्या है, BC अपॉन B डैश C। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आई बात समझ में। इस परपेंडिकुलर का रेशियो इस परपेंडिकुलर के साथ और इस बेस का रेशियो इस बेस के साथ दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। इसको नोट कर लें। फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, जो कि हमारे पास है इस तरह का। यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग, ए कुछ इस तरह का ट्रायंगल हमारे पास है। आप लोगों को दिख गया होगा ये कहाँ पे है ट्रायंगल, आई बात समझ में। अब देखिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ओ, ये मान लेते हैं पी, ये रे है, और यहाँ पे हमारा बी डैश, और ये हो गया ए डैश, और ये हो गया एफ। दिख गया ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, आई बात समझ में। ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मैंने आपसे शुरू में ही बता दिया है कि जो हमारे सिलेबस में मिरर्स या फिर लेंसेज हैं वो बहुत ही स्मॉल अपर्चर के हैं, तो जो रेज आती है वो पैरा एक्सियल रेज होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक, अगर मैंने एक बात और भी बताया आप लोगों से कि इन मिरर या फिर लेंस की जगह अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दें,
तो इसको भी हम एक मिरर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब इसका अपर्चर जो है वो बहुत ही स्मॉल अपर्चर के मिरर्स हैं हमारे सिलेबस में, बहुत ही स्मॉल अपर्चर के मिरर्स हैं। इसीलिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस मिरर पे, इस मिरर पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैं नाम दे देता हूं यम, या तो यम दे दीजिए क्योंकि मैंने एम ले रखा है, यम हो गया। ये हमारा जो मिरर है, मैंने एक एजम्पशन लिया क्या है कि ये जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो एन है, एन इस पॉइंट को जो हमने एन पॉइंट ले रखा है वो बहुत ही करीब, बहुत पास में है पी के, इसीलिए हम लोग एन और पी को बराबर, लगभग बराबर कंसीडर करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट को डिनोट करेंगे, ठीक है। मिरर जो हमारे पास है वो बहुत ही स्मॉल अपर्चर के हैं, इसलिए ये दोनों एन और पी जो पॉइंट्स हैं वो दोनों आपस में बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा, आई बात समझ में। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, कर दूं, बिल्कुल ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एफ ओ एन, एफ ओ पी मान के चलते हैं, एफ ओ पी, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो एन पॉइंट है, एन पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी के बराबर है, जो एन पॉइंट है वो पी के बहुत ही क्लोज है, इसलिए हम पी की जगह एन भी लिख सकते हैं, पी की जगह एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो एंगल, अब आप लोग इसमें पहचानिए कि एंगल कहाँ पे है, एंगल, एंगल ए डैश बी डैश एंड एफ इज इक्वल टू एंगल एफ पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं, दोनों ही क्या हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर कंसीडर करें तो ये जो एंगल बी डैश एफ ए डैश है वो एंगल बराबर होगा ओ एफ पी के बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल बी डैश एफ ए डैश मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ एफ एंड पी बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, आई बात समझ में। ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर हो गए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल फोन के, फोन मतलब एफ ओ एन ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर होगा, अगर सिमिलर होगा तो इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए क्या होगा कि यहाँ का साइड होगा OP, OP by A dash, OP by A dash B dash must be equal to OP यानी PF अपॉन PF अपॉन B डैश एफ, इसको नोट पॉइंट सेकेंड, ठीक है।
ओपी ओपी अपॉन ए डैश बी डैश एंड द बेस एफ पी अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। ये दो इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, सभी चीजें हर एक पॉइंट क्लियर है ना, बिल्कुल। अब हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया, इसको इरेज कर दे और इसको साइड में हमने लिख रखा है, ठीक है, इरेज कर दे। एक दो तीन, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। आई बात समझ में? मैंने इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी की वजह से दो इक्वेशन निकाल लिया। लगभग आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है, ए बी की जो साइज है, वही साइज यहाँ पे ओ एन की है। दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ओ एन के बराबर होगा, या और ओ पी के बराबर होगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू ओ एन या ओ पी। ओ एन एन और पी को, एन पॉइंट को हम पी पे भी मान सकते हैं, ठीक है, इतना क्लोज है वो, इतना क्लोज है कि एन पॉइंट को हम पी पे भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम ओ एन या फिर ओ पी लिख दिए, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ओ एन और ओ पी, तो इस पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ए पी की जगह ओ एन लिख दें, ए पी को अगर ओ एन लिख दें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एन बाई ए डैश बी डैश, ये चीज लिख सकते हैं ओ एन बाई ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इन दोनों ही इक्वेशन से हम लोग एक बात कंसीडर कर सकते हैं कि ओ एन जो होगा, ओ एन बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी अपॉन इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ अपॉन बी डैश एफ, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए बात समझ में आ रही कि नहीं, ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जो कि बराबर है बी सी अपॉन बी डैश सी के बराबर, ये दोनों अगर बराबर हैं, और मैंने यहाँ पे बताया कि ए बी जो है वो ओ पी के बराबर है, तो मैंने ए पी ए बी को रिप्लेस करके ओ एन लिख दिया, ठीक है, और या फिर ओ पी यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग ओ पी, ठीक है। तो इसका मतलब ओ पी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी हो सकता है, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मुझे मिला है कि ओ पी अपॉन ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बाई बी सी, अगर एल एच एस दोनों का बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी सी होगा, बी सी अपॉन बी डैश सी मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी बाई ए डैश बी डैश जो है वो बी सी बाई बी डैश सी के बराबर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ए बी है, ए बी ओ पी के बराबर है, तो इसलिए अगर ए बी को रिप्लेस करें ओ पी से, तो ओ पी बाई ए डैश बी डैश पी एफ बाई बी डैश एफ के बराबर है। तो यानी बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बाई बी डैश एफ, बराबर हो गए दोनों। तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बटे बी बी डैश एफ। आई बात समझ में? इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, अब बस डेरिवेशन तक पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। नोट हो गया, ठीक है। अब हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इन सभी इक्वेशंस को आपने नोट कर लिया है, एक एक करके सभी को नोट करें जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहां से बी सी बी डैश सी पी एफ बी डैश एफ, ठीक है। अब देखिए बी सी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे बी सी यही है ना,
ये बीसी लिखा हुआ है। अब बीसी को अगर हमें लिखना है तो हम लोग बीसी को ये भी लिख सकते हैं कि अगर बीपी लिख दें, बीपी माइनस सीपी। अरे भाई साहब, यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें फिगर में देखिएगा, बीसी की वैल्यू हमें इतना डिस्टेंस निकालना है, इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो बीपी यानी पोल से पी की दूरी, तो यहां पे लिख दें हम लोग बीपी, और बीपी में से अगर सीपी को माइनस कर दे तो इतनी डिस्टेंस तो बचेगी ना। आई बात समझ में? मैंने बीपी डिस्टेंस लिया, उसमें से सीपी माइनस कर दिया तो हमें बीसी मिल गया, बीसी मिल गया, ठीक है। तो बीसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बी डैश सी। अब बी डैश सी क्या है? बी डैश सी, आई समझ में बात? अब यहां पे लिखिए बी डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यह है बी डैश सी, ठीक है। तो अब पहले हम लोग लिख सकते हैं सीपी, सीपी में से बी डैश पी को माइनस कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा बी डैश सी। तो ये हो जाएगा सीपी माइनस बी डैश पी। बी डैश सी को लिख सकते हैं सीपी माइनस बी डैश पी, लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये देखिए सीपी ये पूरा डिस्टेंस है और बी डैश पी यहां से भी परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब सीपी में से अगर बी डैश पी को माइनस कर दें तो बी डैश सी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं। बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं, बी डैश एफ को लिख सकते हैं कि बी डैश पी माइनस ऑफ एफ पी या फिर पी एफ। समझ में आ रही बात? इन तीनों बात को पहले आप लोग समझिए, वीडियो को रिपीट करें और देखिए क्या मैं बोल रहा हूं। बीसी को मैंने लिखा बीपी माइनस सीपी बराबर बीसी, हो गया ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बी डैश सी, बी डैश सी को मैं लिखता हूं सीपी माइनस बी डैश पी, ये लिखा मैंने। फिर बी डैश एफ, देखिए बी डैश एफ यह है तो बी डैश पी माइनस ऑफ पी एफ लिख दें तो ये बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, बी सी की जगह लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख दीजिए बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज को लिखिए, बी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी पी माइनस ऑफ सी पी अपॉन बी पी माइनस सी पी। अब बी डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस ऑफ बी डैश पी, बी पी माइनस सी पी और सी पी माइनस बी डैश पी इज इक्वल टू पी एफ को हम लोग पी एफ ही लिखे रहते हैं और बी डैश एफ को लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस ऑफ पी एफ, ठीक है। ये इक्वेशन, ठीक है, आई बात समझ में? कैसे मैंने लिखा ये सभी चीजें, मैंने मेरे पास ये इक्वेशन आए, इस इक्वेशन में बी सी बी डैश सी बी डैश एफ को मैंने इस तरह से फॉर्मूले में आप लोगों को करके बता दिया कैसे हुआ ये, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की ये जो वैल्यूज आई है इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या होगा। आई बात समझ में? ये हमारे पास सी है, समझ आई बात? अब मैंने आपसे बताया कि u वो डिस्टेंस होता है, u वो डिस्टेंस होता है पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो दूरी होगी पोल की उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, u, u। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। अब जो इमेज की दूरी होगी पोल से उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब फोकस से पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए
ये जो इंसिडेंट रे है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, पोल की तरफ, मिरर की तरफ। लेकिन जो डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करना है वो किधर की तरफ मेजर करना है, पोल से पीछे की तरफ। यानी इंसिडेंट रे अगर पॉजिटिव मान लें हम लोग, इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानते हैं तो ये डिस्टेंस कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। तो जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी वो माइनस यू होगी, समझ आई बात। सिमिलरली अगर वी की बात करें तो इंसिडेंट रे पॉजिटिव और यहाँ पे वी भी निगेटिव होगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ आर की बात करें तो आर भी जस्ट अपोजिट मेजर हो रहा है, इसलिए माइनस आर मेजर करेंगे और फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी, आई बात समझ में। अगर इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव मान लें, अगर इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, इसके पीछे अगर हम लोग चलेंगे तो उसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पोल से हमें इस ऑब्जेक्ट तक आना है, इसलिए मैंने इस साइन को निगेटिव लिया और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। अब इन सभी वैल्यूज़ को अब हम लोग इस फॉर्मूले पे रखते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, इरेज कर दें, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बी पी। अब बी से पी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, बीपी। बीपी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ यू, बीपी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यू लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस। अब सीपी क्या है, सी से पी की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ आर, आई बात समझ में। अब सीपी यहां पे क्या है, सीपी, सीपी, सीपी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी माइनस टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे बी डैश पी क्या है, बी डैश पी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस। अब अपोजिट पी एफ क्या है, पी से एफ की दूरी क्या है, हमारी फोकल लेंथ है, तो इसको भी क्या लेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ एफ। और अब यहाँ से देखें, अब क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ वी। बी डैश पी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ वी, और पी एफ को फिर लिख सकते हैं माइनस, माइनस टाइम्स ऑफ एफ। आ गई बात समझ में, हर एक टर्म को समझिए। बी पी हमारे पास क्या है, माइनस यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सी पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव ले रखा है। सी पी क्या है, सी पी हमारे पास है फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बी डैश पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और एफ क्या है, यहाँ पे फोकल एंड पी एफ फोकस के बराबर है, ठीक है। इतनी बात को आप लोग नोट कर लिए तो डेरिवेशन आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर देखें तो लिखा हुआ है माइनस यू माइनस माइनस प्लस टाइम्स ऑफ आर अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ आर प्लस टाइम्स ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ वी प्लस टाइम्स ऑफ एफ, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं माइनस यू प्लस आर टाइम्स ऑफ माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ बराबर माइनस टाइम्स ऑफ आर प्लस वी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आ गया होगा, तो मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस यू माइनस वी बराबर यू वी प्लस टाइम्स ऑफ यू वी, माइनस यू प्लस एफ बराबर माइनस टाइम्स ऑफ यू टाइम्स ऑफ एफ। फिर आर का मल्टीप्लाई करेंगे बी में, माइनस टाइम्स ऑफ आर टाइम्स ऑफ बी, ओके। फिर आर का एफ में प्लस 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 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस आर बराबर एफ आर, ठीक है, प्लस एफ आर प्लस माइनस एफ इंटू प्लस बी बराबर माइनस ऑफ एफ बी। आई बात समझ में,
इतना नोट कर लीजिए। तो ये देखिए इधर भी आर एफ है, इधर भी आर एफ, अगर इस आर एफ को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, बचा यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ वी। अब अगर आप लोग याद करें तो मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था आर और एफ के बारे में, क्या था वो रिलेशन, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू, याद आ रहा है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाई टू। तो जहां पे रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू टू एफ हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यू वी माइनस टाइम्स ऑफ यू एफ माइनस, रेडियस की जगह हम लिख देते हैं टू एफ वी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ वी। आई बात समझ में। अब इस टू एफ वी को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा यू वी माइनस ऑफ यू एफ और यहाँ से हो जाएगा माइनस एफ वी प्लस टू एफ वी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यू वी माइनस ऑफ यू एफ इज इक्वल टू एफ वी। आई बात समझ में। आप बस डेरिवेशन के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू एफ वी, इतना नोट कर ले। तो फिर हम लोग इधर नोट करते हैं, ठीक है, इतने तक में कहीं प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है प्रॉब्लम तो आप लोग वीडियो को पीछे रिपीट करें और समझें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिखा यू वी माइनस ऑफ यू एफ इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को LHS और RHS में हम यू वी एफ से डिवाइड कर दें, यहां पर लिख दीजिए डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई यू वी एंड एफ। अगर इस इक्वेशन को हम पूरे यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ वी बराबर यू वी एंड एफ। आई बात समझ में। अब यू वी, यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, अब यहां से देखिए यू यू एफ से एफ कैंसिल हो गया, यहां से एफ वी और वी एफ, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, वन बाई एफ इज माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू। अब इस माइनस वन बाई वी को इधर ट्रांसपोज कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। यही है हमारा मिरर्स फार्मूला। अब आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, अब हमारा डेरिवेशन हैशटैग प्रूव हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं इस बात को सभी, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो आपको इमेज बन जाएगी और ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा, ठीक है, या तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। एक पैरेलल रे ले गए तो वो फोकस से पास हुई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज अनडेविएटेड अपने पाथ में वापस चली जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने दो ट्रायंगल्स देखे, एक ट्रायंगल ये वाला देखा और दूसरा ट्रायंगल ये वाला देखा, दोनों में मैंने सिमिलरिटी प्रूफ की। सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद मैंने इन दोनों साइड के रेशियो निकाला। साइड का रेशियो निकालने के बाद हमको एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि हमको वो साइड लेनी है, जो रेशियो निकालेंगे हमको वो साइड कंसीडर करनी है जिसमें ये सारी जो
प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजरमेंट है, सिर्फ उन्हीं को हमें लेना है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या डाउन है उसको हमें रिमूव करना है फॉर्मूले में से, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने सिमिलरिटी प्रूफ किया और इक्वेशन निकाला, उस इक्वेशन में फिर मैंने साइन कन्वेंशन लिया कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव लेना है, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पीछे आ रहे हैं उसको हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है। मैंने इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन के बाद ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, फिर यहाँ से मैंने होल इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 1/f = 1/v + 1/u। अब इस फॉर्मूले को डिराइव तो हमने कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करें जिसमें हम लोग मिरर्स फॉर्मूला तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग मैग्नीफिकेशन का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके।